अनंत चतुर्दशी के अवसर पर झिलमिलाती झांकियों का कारवां जैसे ही मीलों से निकला, वैसे ही स्वच्छ शहर इंदौर की सड़कों के दोनों तरफ लोग इन झांकियों को निहारने के लिए मौजूद नजर आए। वहीं चल समारोह निकलने के बाद झांकी निर्णायक समिति द्वारा पुरस्कारों की घोषणा भी की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। अनंत चतुर्दशी पर निकला झांकियों का कारवां, झिलमिलाती झांकियों ने बढ़ाई इंदौर की रौनक। मालवा मील की झांकी को मिला प्रथम पुरस्कार। चल समारोह निकलने के बाद झांकी निर्णायक समिति द्वारा पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें मालवा मील की ब्रिज की झांकी को प्रथम, राजकुमार मिल की मेरा रंग दे बसंती झांकी को द्वितीय पुरस्कार मिला। तृतीय पुरस्कार हुकुमचंद मिल की कालियानाग व स्वदेशी मिल की ब्रज की लठमार होली को मिला है। होप टेक्सटाइल मिल की गणेश विवाह और कल्याण मिल की सती अनुसुईया झांकी को विशेष पुरस्कार मिला। दो हाथ की बनेठी वर्ग में छोगालाल उस्ताद व्यायामशाला को प्रथम, इसी प्रकार अखाड़ों में दो हाथ की बनेठी वर्ग में छोगालाल उस्ताद व्यायामशाला को प्रथम, महर्षिद्धि व्यायामशाला एवं महावर कौली समाज उषा नगर को द्वितीय पुरस्कार मिला है। तृतीय पुरस्कार महाबलेश्वर व्यायामशाला को मिला है। सार्वजनिक अहिरवार समाज चैतन्य व्यायामशाला एवं केसरी नंदन व्यायामशाला कैलोद हाला को विशेष पुरस्कार मिला है। पटेखी शुरू करो। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक अनंत चतुर्दशी चल समारोह श्रद्धा आस्था उत्साह उमंग और व्यापक जनभागीदारी के साथ संपन्न हुआ। शहर में दो साल के अंतराल के बाद नागरिकों ने इस उत्सव के प्रति अपनी सक्रिय सहभागिता निभाते हुए शहर की परंपरा को अपार उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज इंदौर।